नीमच के वात्सल्य भवन में मुख्यमंत्री लाडली बहना महिला सम्मेलन का भव्य और गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लाडली बहनों को संबोधित करते हुए विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि एक पौधा माँ के नाम अवश्य लगाएं और भारत के स्वाभिमान का झंडा तिरंगा घर घर फहराएं। इस अवसर पर एडीएम लक्ष्मी गामण ने फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है गीत के बोल सुनाकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस अवसर पर श्योपुर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी उपस्थित जनों ने देखा। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 15वीं किस्त के रूप में 1,897 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गयी, जिसमे प्रत्येक लाडली बहनों को रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रूपए की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की गयी। योजना से नीमच जिले के 1,60,800 महिलाओं के खाते में 29,57,00,000 रुपए की राशि अंतरित की गई। गैस रिलीफ योजना में 322 करोड़ रुपए की राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 55,00,000 हितग्राहियों को 332 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधायक दिलीप सिंह परिहार को लाडली बहनों द्वारा राखी बांधी गई। माँ शारदे के वंदन और कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दिलीप सिंह परिहार ने लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के तहत वात्सल्य भवन के परिसर में अतिथियों और महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर घर घर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान फहराने का संदेश दिया। परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, एसडीएम ममता खेड़े, सभापति वंदना खंडेलवाल, कुसुम जोशी, सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, टीसी मेहरा, पार्षद रुपेंद्र लोक्ष, रामचंद्र धनकर मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण आर्य ने किया। सम्मेलन में आपके द्वारा गीत के माध्यम से लोगों की भावनाओं का उजागर की व्यक्ति हुआ है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 अगस्त को माननीय हमारे सीएम महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा हमारी लाडली बहनाओं को विभिन्न रूप से सौगात दी गई है और रक्षाबंधन के रूप में उन्हें 250 रूपए हर लाडली बहना के अकाउंट में डाला गया है। इसी के साथ ही उन लाडली बहनाओं को गैस कनेक्शन जो दिए हुए हैं उसके लिए टंकी के लिए 450 रूपया वाला भी उन्होंने आज किया है और बहुत सारी योजनाओं की उन्होंने सौगात हमें पूरे प्रदेश को दी है। तो ये जो रक्षाबंधन का पर्व है इसे व्यापक स्तर पे मनाना है और हर्षोल्लास के साथ मनाना है, इसलिए हमारे यहाँ पे नीमच में बहुत अच्छा आयोजन किया था और माननीय विधायक महोदय द्वारा जब उन प्यारी बहनाओं से रक्षाबंधन के रूप में राखी बंधवाई गई तो उनकी तरफ से मेरे द्वारा उद्गार व्यक्त करते हुए एक गाना अपनी बहनों को डेडिकेट किया था। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शासन को पूरी तरह से जी हाँ, ये इस हर घर तिरंगा का अभियान का मतलब ये है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति जज्बात होना चाहिए, अपने देश के प्रति स्वाभिमान जागना चाहिए और हमारे तिरंगे की सम्मान के स्वरूप हम लोगों ने तिरंगा अभियान में सबको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और ये तिरंगा अभियान हमारा 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें हर घर पे तिरंगा लगाया जाएगा और सम्मान लगाया जाएगा। ये सारे लोगों को हमने जोड़ने के लिए बोला है और हम इसे सफल बनाए हैं। खास बात बहुत ही बढ़िया है कि सनातन संस्कृति के आधार पर रक्षाबंधन का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को लाडली बहना बनाया था। बीच के कालखंड में लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि बहनों के लिए जो योजनाएं चल रही है वो सब बंद हो जाएंगी। आज मध्य प्रदेश की धरती पर 1,29,00,000 बहनों के खाते में एक क्लिक दबाकर और पैसा अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहुंचाया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं सभी बहनों को। आज हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों में उत्साह है, उमंग है और अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो घर घर से स्व सहायता समूह के माध्यम से
मिठाई ले जाकर और बहन भैया लोगों का मुंह मिठाई कराने का काम कर रही। हम जानते हैं कि मध्यप्रदेश की धरती पर माँ बहन बेटी का सम्मान हुआ है। पूर्व के कालखंड में बेटियों की संख्या कम पड़ रही थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, जो वर्तमान में अभी कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, और बेटी के पांव पूजे और उन्होंने बेटी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसी प्रकार उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज एक पुनित और पवित्र काम किया है कि 250 रुपया बहनों के लिए उपहार के रूप में दे रहे हैं। 250 रुपए मिलते हैं उसमें 250 रुपए की और वृद्धि की है, और हमारी माँ बहन बेटी जो घर में लक्ष्मी के रूप में, जो अन्नपूर्णा के रूप में भोजन पकाकर हम लोगों को खिलाती है, उसको ये चिंता लगती है गैस की टंकी की, तो उन लाडली बहनों को अभी आपने देखा है 450 रुपए में टंकी देने का भी निर्णय लिया। मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि हर घर में यदि बेटी ना होगी तो कल बहू कहां से लाओगे, इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बहनों का सम्मान करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मान किया है। मैं कई बार कई प्रकार की अफवाहें उड़ती थी कि सरकार चली गई है, सरकार नहीं आएगी तो ये सारी बहनें योजनाएं बंद हो जाएगी। आज भी 50% का आरक्षण बहनों के लिए राजनीति में दिया है और उसी की वजह से नगर पालिका अध्यक्ष बन रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रही है, जनपद अध्यक्ष बन रही है, सभापति और पार्षद बहने बन रही है। नौकरी में भी चाहे आंगनबाड़ी की भर्ती हो, चाहे हमारे पटवारी की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, 33% का आरक्षण। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा अभियान, यदि जो मोदी जी ने कुछ कहा है तो वो नीचे तक उतरता है। और आज हम राष्ट्र भाव प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए मैं सबसे अपील करूंगा कि अपने घर पर पावन पवित्र तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। देखिए मध्य प्रदेश की जो ये योजना है लाडली बहना योजना, 1,29,70,000 महिलाएं जो लगभग इसमें जुड़ी हैं, उन सभी को आज इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो रक्षाबंधन है उसका विशेष तौर पे इस बार उनको बहनों को विशेष राशि भी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो पूरा हफ्ता है जिसमें हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, राखी भी मनाएंगे, तो इन सब योजनाओं को और देशभक्ति की भावना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है।